हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग में अभी अभी कलर कैमरा ट्यूब और क्रोमियम सिग्नल के बारे में जाना, और इससे पहले हम लोगों ने ग्रासमैन्स लॉ के बारे में जाना, उसके बाद कलर थ्योरी के बारे में जाना। तो जिन्होंने भी अभी तक ये सारा वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अगर अभी आप पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप पेपर पेन लेकर के बैठिए, और मैं जो पढ़ाने के दौरान जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए हैं और आपके द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे जो खुद से आप बनाएंगे। तो जो अपने खुद से बनाइएगा वो नोट्स है ना, बहुत काम करेगा आपके लिए एग्जाम के टाइम में, रिविजन में, क्विक रिविजन में आपको बहुत काम देगा। तो मैंने हर वीडियो में, हर लेक्चर में कुछ न कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि बताए हैं पहले भी और अभी भी बताएंगे हर एक वीडियो में। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठा कीजिए और उसको नोट करते चलिए। तो चलिए आइए, आज हम लोग कलर टीवी ट्रांसमीटर के बारे में जानेंगे। कलर टीवी ट्रांसमीटर सेम टू सेम उसी तरह से है जिस तरह से मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर हुआ करता था। जो हमारा मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर हुआ करता था उसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, तो हमारे जो सिग्नल है क्या होता है, टेलीविजन में दोनों सेक्शंस होते हैं, एक साउंड वाला सेक्शन और एक वीडियो वाला सेक्शन। तो दोनों सेक्शन को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर की मदद से, टीवी ट्रांसमीटर की मदद से। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कलर टीवी ट्रांसमिशन में जिस तरह से मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर में हुआ करता था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। कुछ आपके एलिमेंट हैं जो कि मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर के ही सेम एलिमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, और कुछ एलिमेंट है जैसे कि जो कलर वाला आ जाता है, कलर थ्योरी वाला जो आ जाता है, कलर कैमरा ट्यूब और उससे रिलेटेड क्रोमियम सिग्नल वाला सर्किट, ये सारा सर्किट इसमें ऐड हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम इसका जटिल है मोनोक्रोम के कंपेरिजन में, बट अगर इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी बहुत इजी है। तो चलिए ये इसको हम लोग इजी वे में जानेंगे, समझेंगे और ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो किसका ब्लॉक डायग्राम है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर, ये कलर टीवी ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे फास्ट में क्या है, तो कलर कैमरा, अभी अभी हम लोगों ने कलर कैमरा ट्यूब में देखा कि क्या हो रहा था। तो हमारा कैमरा से जो हमारा प्राइमरी कलर है ग्रीन रेड ब्लू, उसको क्या कर लिया जा रहा था, अलग अलग वोल्टेज में डिवाइड कर लिया जा रहा था। फिर उसको मैट्रिक्स के द्वारा हम लोगों ने अभी अभी क्रोमियम सिग्नल वाला सर्किट देखा था, जहां पे क्या था, ये और ये एडर वाला सर्किट था वहां पे, ये इतना दूर क्या है, तो वही आपका क्या है, तो क्रोमियम सिग्नल वाला सर्किट है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये एक पार्ट हो गया क्रोमियम सिग्नल वाला जो है पार्ट, वो हो गया। और उसके बाद इधर आपका कलर इनकोडर है, एडर है, और उसके बाद AM VSB मॉड्यूलेटर है जो कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विस्टिजियस साइडबैंड टीवी ट्रांसमिशन में वीडियो के लिए उसी मॉड्यूलेशन पर्पस का यूज किया जाता है। और उसके बाद ये आपका ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन में ये माइक्रोफोन या ऑडियो ट्रांसमीटर, ये किस तरह का ट्रांसमीटर होगा, तो FM ट्रांसमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ऑडियो को हम लोग FM मॉड्यूलेशन के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद ये डिप्लेक्सर, सेम टू सेम मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर में हम लोग देख रहे थे कि एक डिप्लेक्सर सर्किट होता था जिसको हम लोग क्या देते थे, तो वीडियो वाला सिग्नल और कलर वाला, वीडियो और ऑडियो वाला सिग्नल को इनपुट दे दिया जा रहा था। फिर ये डुप्लेक्सर सर्किट उसको मिक्स करने का काम कर रहा था, और मिक्स कर करके किसको दे देता था, तो RX एंटीना को दे देता था। तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना का यूज किया जाता है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना लाइक एज ए टर्न अस्टाइल एंटीना, जो कि मैंने टीवी ब्रॉडकास्टिंग में बताया है, टर्न अस्टाइल एंटीना और एक यागी उडा एंटीना। तो ट्रांसमिटिंग करने के लिए लाइक एज ए वो यागी क्या या ट्रांसमिटिंग करने के लिए टर्न अस्टाइल एंटीना का यूज किया जाता है। तो उसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप लोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग का सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं, उसमें यागी उडा एंटीना और टर्न अस्टाइल एंटीना के बारे में डिटेल से बताया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो आपका ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा एंटीना यूज किया जाता है, तो टर्न अस्टाइल एंटीना, और रिसीव करने के लिए यागी उडा एंटीना का यूज किया जाता है। ये VVI पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ब्लॉक डायग्राम को क्या किया, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये देखिए ये वाला सेक्शन ये क्या है, तो ये वाला सेक्शन आपका क्रोमियम सिग्नल वाला सेक्शन है, देख रहे हैं।
अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसको जाना क्रोमनियस सिग्नल कैसे क्या होता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, तो ये ऑडियो वाला पार्ट है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया माइक्रोफोन ऑडियो एफएम ट्रांसमीटर, क्योंकि ये आप लोग जान रहे हैं इसके अंदर भी बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो कि हम लोगों ने मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर में देखे थे। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, तो ये हो गया आपका ऑडियो वाला सेक्शन। और उसके बाद जो बच गया वो क्या है, तो ये कलर इनकोडर एडर, एडर के बाद एम वी एस बी मॉड्यूलेटर। तो ये तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग वी एस बी मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सर्किट देखिए, इस वाले सेक्शन को याद रखिए, और उसके बाद इसके साथ कनेक्शन करने के लिए याद रखना। उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम आपके लिए कुछ नहीं है, एक दो बार रिविजन कीजिए, इसको पेज पे बनाइए, कॉपी पे बनाइए, या आपको ब्लॉक डायग्राम याद हो जाएंगे। तो चलिए ये इसके प्रोसेस को जाने कि किस तरह से ये प्रोसेस वर्क कर रहा था। तो हम लोगों ने देखा था अभी अभी कलर कैमरा ट्यूब में क्या हो रहा था, कि जो हमारा लाइट वाला पिक्सेल इंसिडेंट कर रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, तो थ्री प्राइमरी कलर में डिवाइड कर दे रहे थे कलर कैमरा ट्यूब के हेल्प से, ग्रीन वाला, रेड और ब्लू, ये तीनों वोल्टेज को डिवाइड कर दे रहे थे। उसके बाद मैट्रिक सर्किट को दे रहे थे, मैट्रिक सर्किट से फिर वाई सिग्नल जेनरेट हो रहा था, तो ये वाई येलो को नहीं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो वही क्रोमनियस सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है। इसको वाई एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके किसको दे दिया जा रहा है, तो एडर सर्किट को दे दिया जा रहा है। उसके पहले इधर क्या है, तो ये वाई सिग्नल को इन्वर्टर करके यहाँ पे एडर के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे दो सिग्नल जेनरेट किया जा रहा था, एक जेनरेट किया जा रहा था क्या, तो बी माइनस वाई, ये देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, तो R से जुड़ा हुआ है। तो यहां से जो सिग्नल जेनरेट होगा R माइनस वाई जेनरेट होगा, और ये वाला सिग्नल जो जेनरेट होगा वो क्या होगा, B माइनस वाई। ये दो ही सिग्नल को यहाँ पे जेनरेट किया जा रहा था ट्रांसमिट करने के दौरान, R माइनस वाई और B माइनस वाई को ही ट्रांसमिट किया जा रहा था, जबकि G माइनस वाई रिसीवर पे ऑलरेडी पहले से ही मौजूद था, तो इसलिए इन्हीं दो सिग्नल को हम लोग यहां से ट्रांसमिट करते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके साथ तो ये वाला सर्किट, तो इसका हम लोग को पूरा का पूरा ये प्रोसेस हम लोग क्रोमनियस सिग्नल में जाने थे। अब यहाँ पे देखिए ये कलर इनकोडर है, तो ये कलर इनकोडर क्या करता है, सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन करने का वर्क करता है इस कलर वाले सिग्नल के लिए। क्या करता है, तो सिंक्रोनस क्वाड्रेटर मॉड्यूलेटर, ये कलर इनकोडर क्या करेगा, इस कलर वाला जो सिग्नल आ रहा है इसको इनकोड करने का काम करेगा, इसको इनकोड करके उसको मॉड्यूलेट भी करता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी करता है, कलर इनकोडर मॉड्यूलेटेड करता है, सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन प्रोसेस करता है। उसके बाद इससे ऑलरेडी जो क्रोमा सिग्नल है, मॉड्यूलेशन के बाद जो क्रोमा सिग्नल आपका है वो किसको जा रहा है, तो इस एडर वाले सर्किट को जा रहा है। इस एडर वाले सर्किट को दो सिग्नल मिल रहे हैं, ये इधर से ये इन्वर्टर के द्वारा जो सिग्नल आ रहा है आर माइनस वाई पी माइनस वाई, वो कलर इनकोडर के बाद इस एडर को मिल रहा है, और उसके साथ साथ ये क्रोमिनियस सिग्नल जो आ रहा था वो भी एम्पलीफाई होकर के इस एडर सर्किट को मिल रहा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो वाला सेक्शन है, तो ये वीडियो वाला सेक्शन किसको दे देते हैं, तो आपको मॉड्यूलेटर को दे देते हैं। किस मॉड्यूलेटर को, तो एम वी एस बी मॉड्यूलेटर को। देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूलेटर है, तो मॉड्यूलेटर में दो सिग्नल होने चाहिए इसको इनपुट में, यहाँ पे एक ही सिग्नल दिया जा रहा है, तो आप लोग इसके ऊपर एक और क्या लगा सकते हैं, तो ऐसे करके ये कैरियर लगा सकते हैं, कैरियर वाला यहाँ पे लगा लीजिए क्या है, तो इसको दे दीजिए आरएफ कैरियर सिग्नल। तो इस मॉड्यूलेटर सर्किट को ये आरएफ कैरियर सिग्नल एक मिल गया। उसके बाद क्या हो गया कि इस वाले सिग्नल से ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। हम लोगों ने देखा था कि टीवी सिग्नल में वीडियो को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा ही मॉड्यूलेट किया जाता है, और कौन सा मॉड्यूलेशन प्रोसेस, तो एम वी एस बी, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विजिटिजियस साइड बैंड प्रोसेस के द्वारा ही मॉड्यूलेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस मॉड्यूलेटर को दिया गया, इस मॉड्यूलेटर से जो आपका आउटपुट आया, जो हमारा वीडियो वाला सिग्नल आया, वो किसको दिया जा रहा है, तो डिप्लेक्सर सर्किट को दिया जा रहा है। डिप्लेक्सर सर्किट क्या करता है, तो ये ऑडियो और वीडियो वाले सिग्नल को एक साथ मिक्स करने का काम करता है, और उसको प्रिवेंट करता है एक दूसरे पे ओवरलैप होने से भी बचाता है। उसके बाद या इधर देखिए ये माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन साउंड वाले सिग्नल को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और ऑडियो एफएम ट्रांसमीटर, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल से रेडियो ट्रांसमीटर में भी पढ़ा है, और फिर इधर मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर में भी पढ़ा है, तो इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं।
तो ये डिप्लेक्सर सर्किट को आया, इसको ऑडियो और वीडियो दोनों वाला सिग्नल मिल गया है, उसको एम्पलीफाई कर एक तरह से मिक्स करने का काम करेगा डिप्लेक्सर सर्किट, और मिक्स करने के साथ साथ एक दूसरे को ओवरलैप होने से बचाने का भी काम करेगा। उसके बाद उसको क्या करेगा, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना को दे दिया जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना को दे दिया जाएगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरह से हमारे क्या है, एक कलर टीवी ट्रांसमीटर वर्क करता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो टीवी ट्रांसमीटर क्या होता है, कलर टीवी ट्रांसमीटर क्या होता है, या फिर ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग में आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में ये पढ़ा भी होगा। चलिए हटाइए, जो नहीं पढ़े थे अभी पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी में, और ये जब भी आएगा तो 6 नंबर में आएगा, याद रखिएगा 6 नंबर में आएगा। ब्लॉक डायग्राम बना दीजिएगा, आपका 4 नंबर कन्फर्म है, और इसके बारे में दो दो लाइन हर एक सर्किट के बारे में लिख दीजिएगा। जो भी बता रहा हूं वो आपको सुनकर के लिखिए एक बार, दो दो लाइन भी अगर इसके बारे में हर एक सर्किट के बारे में लिख दीजिए, आपके 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें फिगर जरूर बनाए और क्लियर बनाए, ये नहीं कि एक पेज का आधा में बना दिए ये ब्लॉक डायग्राम, तो बताइए कैसा लगेगा, आप सोच सकते हैं। तो पेज कवर कीजिए, फुल पेज में फुल लेंथ का ये ब्लॉक डायग्राम बनाइए, अच्छे से बनाइए, ताकि उसको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करो उसको सही ढंग से लिखे देख सके। अब ये नहीं कि छोटा छोटा करके एक में घुसा दिए, ये ऐसा नहीं, पेज बचाना नहीं है, वो उतना सारा पेज रहता है आप लोग के लिए काफी है। तो इस ये सब ध्यान दिया कीजिए ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड। चलिए यहाँ से दो तीन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये देखिए, मैंने बताया था कि कलर टेलीविजन में एक सर्किट ऐड किया जाता है कलर वाले सिग्नल को भेजने के लिए, क्रोमनेट सिग्नल। तो ये जो सिग्नल्स को भेजने के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है, एक सब कैरियर का यूज किया जाता है। जैसे इस वीडियो वाले सिग्नल के लिए तो ये आपका कैरियर सिग्नल था ही, इसके साथ साथ क्रोमिनेंस सिग्नल को भेजने के लिए क्या किया जाता है, तो सब कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कैरियर क्या होता है, तो ये सब कैरियर कलर वाले सिग्नल को सेंड करने के लिए होता है। और इंडियन टेलीविजन सिस्टम में, जैसे ये इंडियन टेलीविजन सिस्टम किसको एडॉप्ट किया है, तो यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम को एडॉप्ट किया हुआ है। तो इस दौरान इसमें क्या होता है, तो सब कैरियर का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 4.43 मेगाहर्ट्ज़ है, इसको आप याद रखिएगा। और अमेरिकन टेलीविजन में ये सब कैरियर कितना यूज होता है, तो 3.58 मेगाहर्ट्ज़ यूज होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये याद रखना मस्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ एक बात और बता दूं कि आप लोगों को एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है तीनों कलर, जो आपका मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब था, इमेज ऑर्थिकोन, वीडिकोन और पलम्बिकोन, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन वाला जो वीडियो है उसमें ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन वाला का पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है, बट उसमें एक और पॉइंट्स बताए गए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का टेबल बताया हूं टेलीविजन इंजीनियरिंग का, जैसे फील्ड पैटर्न कितना होता है, फील्ड फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कौन से मतलब कि कब इसका इन्वेंशन हुआ, तो इस तरह का एक टेबल उसमें है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसका पीडीएफ मैंने नहीं दिया है, तो आप लोग वीडियो से ही उसको नोट कर लीजिएगा। और वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो टेबल हैं, उसमें से आपको 7 से 8 ऑब्जेक्टिव टेलीविजन इंजीनियरिंग में जरूर मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इधर जो भी मैं वीवीआई पॉइंट्स बताता हूं, आप लोग वीडियो लेक्चर में हमेशा पेन पेपर के साथ बैठिए और नोट करते चलिए, हर एक यूनिट से हर एक टॉपिक का जो भी वीवीआई पॉइंट बताता हूं नोट करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव का आपका एक नोट्स बन जाएगा, और वो आपको सेमेस्टर एग्जाम में एग्जाम देने के समय एक बार देखने के बाद बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी ट्रांसमीटर के बारे में देखा। आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर वीडियो के लिंक नीचे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं कलर टीवी रिसीवर के बारे में। तो हम लोग अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी रिसीवर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं कलर टीवी रिसीवर के बारे में। कलर टीवी रिसीवर क्या होगा, सेम टू सेम लाइक एज ए मोनोक्रोम कलर
मोनोक्रोम टेलीविजन का जो रिसीवर था सेम टू सेम उसी तरह से यह हमारा क्या है तो कलर टीवी रिसीवर है। इसमें सिर्फ वही कलर वाला ऐड हो गया है, बाकी तो आपका वीडियो सिग्नल भी है और साउंड सिग्नल भी यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए आइए इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ये किसका ब्लॉक डायग्राम है आपका, तो कलर टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये कलर टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए ये सबसे पहला क्या है, RX एंटीना। RX एंटीना कहने का मतलब रिसीविंग एंटीना, और इस रिसीविंग एंटीना कौन सा एंटीना हम लोग यूज करते हैं, तो यागी उडा एंटीना का यूज करते हैं। ठीक है, यागी उडा एंटीना, जिसका मैंने टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में पार्ट टू, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग पार्ट टू में इसको डिटेल से बताया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यागी उडा एंटीना के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग प्रोसेस को। ठीक है, तो ये हो गया आरएक्स एंटीना, रिसीविंग एंटीना, वो जो ट्रांसमीटर से जो हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना के मदद से जो सिग्नल सेंड कर रहे थे वो इस रिसीविंग एंटीना की मदद से क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। कौन से सिग्नल को रिसीव किया जाएगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी वाले सिग्नल को ये सेलेक्ट करने का काम करेगा। और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो किसके मदद से करते हैं, तो ट्यूनर के मदद से करते हैं। ठीक है, ट्यूनर के मदद से करते हैं। उसके बाद ट्यूनर में दो तीन वर्क परफॉर्म हो रहे थे, ये सारे वर्क हम लोगों ने जाना है, ट्यूनर कैसे वर्क कर रहा है। तो ये ट्यूनर की मदद से हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, आईएफ स्टेज है। उसके बाद क्या है, तो ये आईएफ स्टेज होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज होता है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। ठीक है, और उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसको दे रहे हैं, तो इस वीडियो डिटेक्टर को दे रहे हैं। ये वीडियो डिटेक्टर क्या करेगा कि अपना वीडियो वाला सिग्नल को डिटेक्ट करके और ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये वीडियो वाला सिग्नल जो मिला आउटपुट वो किसको गया, तो इस वीडियो एम्पलीफायर को गया। ये वीडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वीडियो वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद इधर एडर को पास कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियो वाला सिग्नल तो डिटेक्ट हो गया, पर मैंने बताया कि टेलीविजन में ऑडियो और वीडियो दोनों वाला सिग्नल होता है, तो यहाँ से वीडियो वाला सिग्नल इस वीडियो एम्पलीफायर को और बाकी जो बच गया वो किसको चलाएगा, तो ये साउंड सेक्शन को चलाएगा। ये साउंड सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका FM डिटेक्टर हो जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्या, FM डिटेक्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका एम्पलीफायर होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, तो उसको एक साथ कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया है, तो साउंड सेक्शंस लिख दिया है। ठीक है, ये साउंड सेक्शंस लिख दिया है। उसके बाद क्या है आपका, तो ये लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर क्या करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देगा साउंड वाले सिग्नल में, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये इस वीडियो एम्पलीफायर से वीडियो आउटपुट इसको मिला, इस एडर सर्किट को मिला। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कलर टेलीविजन है, तो कलर टेलीविजन कलर वाला भी इसमें प्रोसेस होगा। तो यहाँ से देखिए इस वीडियो डिटेक्टर से एक और सर्किट आया है, वो किसको लिए आया है, तो यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस सिंप्रेशन सर्किट है और डिफ्लेक्टिंग स्टेज वाला सर्किट है। और उसके बाद किसको जा रहा है, तो पिक्चर ट्यूब। हम लोगों ने देखा था कि पिक्चर ट्यूब में क्या होता था कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होता था, इक्वलाइजेशन का प्रोसेस होता था इंटरलेस स्कैनिंग के वजह से, और भी बहुत सारे इसमें इक्वलाइजिंग पल्स वगैरह ये सब, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट होता था, हॉरिजेंटल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता था, तो डिफ्लेक्सिंग स्टेज। तो इस तरह से ये स्टेज उसी वर्क को यहाँ पे परफॉर्म करा रहा, सिंक्रोनाइजिंग जानते हैं क्या है, ये सारा डिटेल में मैंने मोनोक्रोम टेलीविजन में बताया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, तो एक कलर डिटेक्टर लगा हुआ है। ये कलर डिटेक्टर क्या करेगा, तो ये कलर डिटेक्टर जो हमारा कलर इनकोडर, अभी अभी ट्रांसमीटर में क्या देखे, कलर टीवी ट्रांसमीटर में कलर इनकोडर था, जिसके मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, तो जेनरेट कर रहे थे B-Y RY-Y, तो उसी को डिटेक्ट करके B-Y RY R-Y के सिग्नल को ये कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद इसको किसको देगा, तो मैट्रिक्स सर्किट को देगा। मैट्रिक्स सर्किट क्या होगा, इन दोनों को पास करेगा, और इसके साथ साथ इस मैट्रिक्स सर्किट के हेल्प से जो हम लोग ट्रांसमीटर के दौरान G-Y सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर रहे थे, उस वाले सिग्नल को ये मैट्रिक्स सर्किट के द्वारा ही जेनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये G-Y सिग्नल से यहाँ पे जेनरेट कर दिया गया, और उसके बाद इस एडर सर्किट को दे दिया गया। इस एडर सर्किट को इधर से ये वीडियो वाला सिग्नल भी और ये कलर वाला सिग्नल भी मिल गया, और ये कलर वीडियो तीनों मिल, वीडियो दोनों मिल करके यहाँ पे क्या करेगा, तो फिर से ब्लू ग्रीन रेड जो आपका है ये आउटपुट दे देगा। किसको दे देगा, तो पिक्चर ट्यूब को दे देगा। ठीक है, और उसके बाद ये पिक्चर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कनेक्ट मतलब ऐसा विजुअल वे में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम लोग आसानी से स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, तो ये वर्क कर रहा है हमारा ब्लॉक डायग्राम कलर टीवी रिसीवर का, ये वर्किंग प्रोसेस हो गया। तो इस वाले ब्लॉक डायग्राम को भी आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा आएंगे तो 6 नंबर में आपको आएगा, 6 नंबर में आएगा कलर टीवी टीवी रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का ब्लॉक डायग्राम। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इसके प्रोसेस को भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक तो लाइन इन सारे सर्किट के बारे में याद रखना है। यहाँ पे देखिए इसको 3 स्टेज में डिवाइड कर लीजिए आप, इसको याद रखने का प्रोसेस, इसको इधर से ये इन तीनों को याद रखिए और उसके बाद इधर वाले में इधर सिंक्रोनाइजेशन और डिफ्लेक्टिंग स्टेज लगाना और बाकी ये वाला सेक्शन, तो ये 3 सेक्शंस है। तो इसको भी मैं कहूंगा कि आप लोग कॉपी पे इसको बना बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम है, चाहे रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में देखा जाए या टीवी में देखा जाए, बहुत सारे आप लोग को डायग्राम ब्लॉक डायग्राम देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कभी कभी हम लोग टेलीविजन वाला रेडियो में और रेडियो वाला टेलीविजन में, तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेगा उसके अनुसार आपका रहेगा। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको बना बना करके कॉपी पे बना बना करके आपको ये करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग को परफेक्शन मिलेगा, और ये सारे ब्लॉक डायग्राम आप लोग कभी भी एक दूसरे से मिस मैच करके नहीं आइएगा। करके भी होता है एग्जाम में या टेस्ट में, मैंने देखा है स्टूडेंट लोग को कि आप ब्लॉक डायग्राम दिए बनाने के लिए टीवी रिसीवर का, बना दिए रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, तो इस तरह से हो जाता है मिसमैच, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इसका जो आपका रेडियो जो आपका ये एंटीना है ट्रन स्टाइल एंटीना और यागीउडा एंटीना, इन दोनों का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, और आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए।